हाय दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हो कि हमारे पास ये आई है हीरो की मेस्ट्रो। और इसमें एक दिक्कत है कि ये गाड़ी जब चलती है तो बहुत वाइब्रेट होता है, इंजन भी, पूरा बॉडी भी और हैंडल तो बहुत वाइब्रेट होता है। तो इसमें क्या प्रॉब्लम हो है मैं आपको दिखाता हूँ। कि अभी क्लच का भी काम किया था मैंने कुछ दिन पहले, फिर भी ये प्रॉब्लम आ गया है। तो अभी मैं आपको स्टार्ट करके दिखाता हूँ। ये स्टार्ट हो गया और देख सकते हो आपकी इंजन कितना वाइब्रेट हो रहा है दीदी। तो मैं इसको पहले गर्म कर लेता हूँ क्योंकि ये कल से ऐसे ही खड़ी है, तो ठंडी में थोड़ा अभी दिक्कत कर रहा है रेस लेने में। ये गाड़ी अभी स्टार्ट है और आप देख सकते हो कि हैंडल अभी भी वाइब्रेट हो रहा है और इंजन की भी हालत देख सकते हो आप। जैसे ही रेस दूंगा इधर से भी पता लगा सकते हो कि वाइब्रेट हो रहा है। मैंने फोन हाथ अपना ऊपर रखा तो फोन का पूरा और इधर हैंडल भी आप देख सकते हो। तो इसमें बहुत सारी वाइब्रेशन की प्रॉब्लम है, तो हम इसका सर्विसिंग करेंगे। तो अभी मैं इसको पूरा वॉश करके ले लेता हूँ और टेपेट में पहले सेटिंग करूँगा, उसके बाद में वाइब्रेशन कम नहीं होगी तो मैं क्लच का कवर खोल के उसका दिखाऊंगा कि क्या प्रॉब्लम है। तो अभी मैं सब खोल के ले लेता हूँ। हमने अभी इसका टेपेट सेट कर दिया है और इसका बेल्ट भी सही है, लेकिन इसमें क्या दिक्कत हो गई थी, जो इधर ग्रीस डलता है बेरिंग में वो निकल के इसमें आ गया था देख सकते हो आप। तो इसके कारण ये भी स्लिप हो रहा था और इसमें ग्रीस आने के कारण बहुत वाइब्रेट हो रहा था। तो इसको भी हम रेगमाल से अच्छे से साफ करेंगे और इसको भी पेट्रोल से वॉश करेंगे और रेगमाल से साफ करेंगे और आगे का भी हम वेरिएटर खोलेंगे और इसको भी चेक करेंगे। तो अभी मैं इसको भी खोल के ले लेता हूँ। मैंने अभी इस प्लेट को भी खोल दिया है तो इसमें इधर तो ज़्यादा स्क्रैचेस नहीं है, ये चलने के कारण ऐसा इसका पेंट हो गया है। तो इसमें एक और दिक्कत है कि ये बूश भी इधर से निकल जा रहा है पुश करने पर, देख सकते हो आप। और ये भी इधर खड्डा है देख सकते हो, और ये कुछ टाइम पहले ही डला हुआ है लेकिन ये लोकल होने के कारण ये फेल हो गया है। और आप रोलर की हालत देख सकते हो, रोलर भी लोकल डले है तो ये ऐसे ही निकला है और बाकी सारे भी चटक गए हैं या पिचक गए हैं। ये थोड़ा ठीक है लेकिन ये भी घिस गया है देख सकते हो आप, ये गोलाई में नहीं है। और ये भी चटक गए हैं, दो तीन ऐसे चटक गए हैं और ये भी ख़राब है और ये भी ख़राब है और ये भी थोड़ा चटका हुआ भी है और ख़राब भी है। तो ये सारे रोलर नए डलेंगे और प्लेट का देखूंगा कि जो बजट होगा तो ये भी डाल दूंगा, वरना इसको ऐसे ही फेविक लगा के जाम करके चलाएंगे तो ऐसी प्रॉब्लम आएगी आपकी। जब भी हैंडल वाइब्रेट कर रहा है तो क्लच का काम आपको करवाना पड़ेगा। और ये शू भी चल जाएंगे, नए ही डले हैं ये एसके के, और इसको भी रेगमाल मारूंगा तो ये कंप्लीट हो जाएगा। तो आगे का ही दिक्कत है थोड़ा, ये रोलर का, रोलर मिल जाएगा तो अच्छा है, अभी हमारे पास नहीं तो बाहर से लाना पड़ेगा। तो मैं इसको भी फिटिंग करके ले लेता हूँ।
तो अभी आप देख सकते हो कि जो मेस्ट्रो हमने रिपेयर की थी वही है, और अभी ये वाइब्रेट नहीं कर रही है और इसका साउंड भी बहुत अच्छा है। तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, तो देखो अभी ये साउंड कर रही है क्योंकि इधर से टूटा हुआ है तो थोड़ा वाइब्रेट के कारण ये आवाज़ करता है। तो अभी पूरा वाइब्रेट नहीं हो रहा है हैंडल पहले की तरह, पहले तो बहुत गिर गिर करके पूरा वाइब्रेट हो रहा था। तो आपकी भी गाड़ी में ऐसा प्रॉब्लम है कि जब गाड़ी उठाते हैं तो हैंडल वाइब्रेट बहुत होता है, तो आपको आपका क्लच रिपेयर करवा लेना चाहिए और ताकि बड़ी प्रॉब्लम ना हो और आपको माइलेज भी अच्छा मिल जाए। तो ये रोलर टूटने के कारण इसमें कितनी बड़ी प्रॉब्लम आ गई थी और क्लच में भी थोड़ा थोड़ा गैस लग गया था, तो स्लिप होके वो भी बहुत दिक्कत कर रहे थे। तो मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें दोस्तों, मैं अच्छे अच्छे वीडियो लाते रहता हूँ। तो थैंक यू, धन्यवाद।